हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स सीरीज का। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे केवीआईसी यानी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्टार्ट किया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पहला सिल्क ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर तैयार हुआ है जो कि हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और ये किया गया है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा। इट इज टू बी लॉन्च इन फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। ये अभी लॉन्च हुआ नहीं है लेकिन सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में लॉन्च होने की बात हुई है। तो कौन सा पहला ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, देश में? तो वो है सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर। नेक्स्ट आते हैं, ये आप सभी ने सुना होगा ये न्यूज काफी ज्यादा कि कोझिकोड फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ है अभी रिसेंटली। एयर इंडिया का एक फ्लाइट था तो वो हुआ है, तो कोझिकोड फ्लाइट एक्सीडेंट एंड टेबल टॉप एयरपोर्ट। टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट था जो कि स्पेशल वंदे भारत मिशन पे चल रहा था, ओवरशॉट द रनवे एट कोझिकोड एंड फेल इनटू अ वैली। ठीक है, ओवरशॉट कर गया रनवे ऑफ कोझिकोड एयरपोर्ट में और एक वैली में गिर गया। फ्लाइट कैरी कर रहा था पैसेंजर्स को दुबई से लेकर के कोझिकोड तक। अब समझते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है। तो ये एक इस तरह का एयरपोर्ट है दैट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ हिली सर्फेसेज और प्लेटो। ठीक है, नॉर्मल प्लेन पर नहीं, एक हिली सर्फेस पे बनाया जाता है, प्लेटो पे। द रनवेज इन दीज एयरपोर्ट्स हैव वन और बोथ एंड्स ओवर लुकिंग अ ड्रॉप। ठीक है, दोनों ही तरफ जो है ड्रॉप होने के चांसेस है क्योंकि वो प्लेन पर नहीं है, किसी हिली सर्फेस पे है, प्लेटो के ऊपर होता है, इसी वजह से इसको टेबल टॉप एयरपोर्ट कहा जाता है। और कोझिकोड में भी वही था तो इसीलिए वो स्किड कर गया और एयर इंडिया का जो फ्लाइट था वो गिर के टूट गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, बांग्लादेश जो है वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन 1971। तो ठीक है, बांग्लादेश ये कंस्ट्रक्ट कर रही है वार मेमोरियल इंडियन सोल्जर्स के लिए जो कि मारे गए थे, किल्ड हुए थे 1971 में, शहीद हुए थे। दिस इज मेनली ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस इन द लिबरेशन वार ऑफ 1971। ठीक है, ये बस छोटा छोटा जानकारी है जो कि एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा तो दिमाग में स्टोर हो जाएंगी और आप लोग आंसर सही टिक करके आ सकेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन रेलवे टू ट्रांसपोर्ट डाइज टू बांग्लादेश फ्रॉम गुजरात आफ्टर चिलीज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इसके पहले इंडियन रेलवे जो है आंध्र प्रदेश से चिलीज ट्रांसपोर्ट कर रहा था, अब जो है वो गुजरात से क्या करेगा, डाई ट्रांसपोर्ट करेगा, बांग्लादेश पहुंचाएगा। ठीक है, इंडियन रेलवेज के तहत ये सारी काम होंगी। इंडियन रेलवेज इज टू ऑपरेट फर्स्ट पार्सल स्पेशल ट्रेन टू बांग्लादेश अंडर अहमदाबाद डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ठीक है, अहमदाबाद डिवीजन की बात हो रही है। द वेस्टर्न रेलवे सेंट गुड्स ट्रेन अर्लियर विथ लोडेड वैगन्स ऑफ ऑनियन टू बांग्लादेश। इसके पहले भी जो वेस्टर्न रेलवेज है वो कैरी कर चुका है लोडेड वैगन्स ऑफ ऑनियंस। ठीक है, प्याज पहुंचाया जाता था बांग्लादेश में। तो ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी। अब नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्क्रैप किया है पावरलूम बोर्ड आफ्टर हैंडलूम बोर्ड। ठीक है, पहले हैंडलूम बोर्ड को, उसके बाद अब पावरलूम बोर्ड को। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज डिसबैंडेड ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम बोर्ड्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है उन्होंने डिसबैंड कर दिया है ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम बोर्ड्स को। Also, all the 8 textile research associations in the country will now cease to be affiliated bodies of the ministry. अब ये ministry के under direct नहीं है लेकिन ministry के through affiliated bodies इसको consider किया जाता है। तो जो textile research associations हैं will now act as approved bodies to conduct test करवाएगी, researches करवाएगी, development activities of textile sector भी ये textile research association के through ही होगा। अब द डिसीजन, ये इस तरह का डिसीजन क्यों लिया गया? तो द डिसीजन हैज बीन मेड टू स्टिक टू द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा लेकिन गवर्नेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज में गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट रख करके सारे काम नहीं कर सकती है, गवर्नेंस तो होना चाहिए उसमें, इसीलिए एफिलिएटेड बॉडीज करके इन लोगों को रन करवाया जाने का प्लान हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ई संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म, जहां पे 1.5 लाख ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइडेड की जा रही हैं। ये वर्क कर रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ई संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म जो है वो वर्क कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर। इट इज ऑपरेशनल इन मोर देन 23 states। ये अभी प्रेजेंटली ऑपरेशनल है 23 से ज्यादा स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, इट कवर्स मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। ये कवर कर रहा है तो 23 states में अगर ये काम कर रहा है तो ऑब्वियसली 75% पॉपुलेशन भी ये कवर कर रहा है।
तो दो टाइप के टेली कंसल्टेशन हो रही हैं इस प्लेटफॉर्म के तहत। एक है ई संजीवनी, जहां पे डॉक्टर टू डॉक्टर हो रहा है, और दूसरा जो पेशेंट टू डॉक्टर है वो है ई संजीवनी ओपीडी, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऐसे आउट जो बाहर से ही बाहर दिखाते हैं एडमिट हुए बिना, इसको ओपीडी कहा जाता है। तो पेशेंट टू डॉक्टर और ई संजीवनी हो गया डॉक्टर टू डॉक्टर, इस दो तरह का टेली कंसल्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट है, इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ इनिशिएटिव। किसके तहत इम्प्लीमेंट किया गया है? आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। और द सर्विस इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एंड्रॉयड ऐप यूजर्स। ऑब्वियसली जिनके पास एंड्रॉयड ऐप है वही लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ई है, ई संजीवनी है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं ऑनलाइन चीजें होंगी, तो एंड्रॉयड ऐप वाले के लिए स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आंध्र प्रदेश स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी आया है 2023 तक, ठीक है, 2020 से लेकर 2023 तक का। इसके पहले हमने गुजरात का देखा था प्रीवियस लेसन में, अब हम लोग आंध्र प्रदेश का देख रहे हैं। इट एम्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ एंड मैच नेशनल एवरेज इन इंडस्ट्रियल जीवीए पर कैपिटा। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड पर कैपिटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में काम करेगी एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ मैच नेशनल एवरेज इन इंडस्ट्रियल जीवीए पर कैपिटा के तहत। इसके पहले जो इनका इस स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी था वो इम्प्लीमेंट हुआ था बिटवीन 2015 से 2020 के बीच का जो स्पैन था उस दौरान। अब क्योंकि 2020 में खत्म हो गया है, तो फिर से ये नया डेवलपमेंट पॉलिसी लाया गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 20 से 23 तक का, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, 77 न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड इन महाराष्ट्र। ठीक है, 77 नया तरीके का बटरफ्लाई स्पीसीज पाया गया है महाराष्ट्र में, और इस नए इतना पाने के बाद, इतने नए स्पीसीज पाने के बाद जो टोटल है वो चला गया है 140 तक। विथ दिस द टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज इन द फॉरेस्ट हैज गॉन अप टू 140। ये 77 ऐड होने के बाद हुआ है 140। तो जो स्टडी है वो कंडक्ट किया गया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव फॉरेस्ट ऑफ माथेरान हिल स्टेशन इन मुंबई। ये नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सा हिल स्टेशन है जहां पे ये सब हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हैं जो सेंसिटिव फॉरेस्ट है वो माथेरान हिल स्टेशन का है। मैं ये सब पॉइंट्स इसलिए इंक्लूड करती हूँ ताकि आप लोग जब एग्जाम के टाइम पे भी वीडियोज अगर देखेंगे रिविजन हो करने के लिए या जल्दी जल्दी कवर करने के लिए, तो ये सभी टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुन करके आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंडियन रेलवे ने ऑब्जर्व किया क्लीनलीनेस वीक। ठीक है, कब किया? बिटवीन 10th से 15th अगस्त का जो वीक है, जो हमारा चल रहा है, आज 15th अगस्त है, तो इस बीच का जो एक हफ्ता था वो हम इंडियन रेलवे ने क्लीनलीनेस वीक के तहत इसको ऑब्जर्व किया। तो ड्राइव किसके लिए फोकस किया गया है? प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन फ्रॉम द ट्रैक्स। ट्रैक्स में जो प्लास्टिक फेंक देते हैं पैसेंजर्स, उसको क्लीन करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए। तो हम सब लोगों को ये चीज ध्यान रखना होगा कि इस तरह की चीजें ना करें, क्योंकि साफ रखना, स्पिल ओवर ना करना ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या सेक्टर का काम है, बल्कि हम सबको इन सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग भी चलिए कुछ कुछ हर दिन नया नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस तरह से प्लास्टिक वेस्ट कहीं पे भी फैलाएंगे नहीं, ट्रेन से बाहर नहीं फेंकेंगे। अब देखिए, द ड्राइव विल फोकस, ये तो मैंने बताया। अब 8 मेजर क्लीनलीनेस इनिशिएटिव्स है इंडियन रेलवेज का, वो क्या क्या है? सबसे पहला है बायो टॉयलेट्स बनाया गया है काफी ज्यादा, कोच मित्रा, एडिंग डस्टबिन्स एड किए गए हैं ट्रेन के अंदर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर, सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए हैं फॉर मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स एट स्टेशन, पे एंड यूज टॉयलेट्स एट स्टेशन, स्वच्छता पखवाड़ा, इम्प्रूव मेकेनाइज क्लीनिंग इन अबाउट 520 रेलवे स्टेशन। ठीक है, देखते हैं ना आजकल हम लोग मशीनरीज के थ्रू काफी ज्यादा क्लीनिंग हो रही है, तो ये सब पार्ट है रेलवे का, इंडियन रेलवे का क्लीनलीनेस इनिशिएटिव्स के तहत। और फिर क्या होता है, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस इन मोर देन 1050 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, बहुत ज्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले ट्रेन है, जैसे शताब्दी हो गई, राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, इन सब में ही जैसे ही हम लोग ट्रेवल करते हैं तो बोर्डिंग के साथ साथ ही हाउसकीपिंग सर्विस भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ मेजर क्लीनलीनेस इनिशिएटिव्स है रेलवेज का। और आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने भी लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। ठीक है, वीक, किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। इसका मेन एम है कि शिफ्ट किया जाए इंडिया का टुवर्ड्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड एड, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए। द आइडिया ऑफ ऑब्जर्विंग अ वीक विल प्रोवाइड इम्पेटस टू आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, इस तरह से ऑब्जर्व करने का, वीक को सेलिब्रेट करने से क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का और भी ज्यादा प्रोपगेशन होगा, उसके लिए हम लोग और जागरूक होंगे। तो आज का 10 करंट अफेयर्स यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता है जरूर से लाइक करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।